Very good morning, students, and welcome back to the series of these videos. This is Dr. Sagar Gore, and we are discussing the chapters from 11th biology. Okay, students. So we are starting learning the chapter number 3, that is Kingdom Plantae. Kingdom Plantae. Okay, students. So in this Kingdom Plantae, what extra day we learn is classification of organisms. So this was very introductory part from this chapter, and today what we are going to deal with is about an algae. As we see that when it was decided that kingdoms should be arranged or this should be classified, R.H. Whittaker classified into 5 groups. Okay, and now what we are dealing with is about the plants. So plants are again These are again classified into different classifications. Okay, so different categories are there. The very first is algae. So today we are going to see what are the algae, what are its habitats. So very first we are going to see the introduction of the algae. So it is very important to concentrate on all the points, because question can be asked from any word, from any statement. So each and every sentence and word is important, because what we are studying here is from NCERT and board syllabus as well. Okay, student. So when we see algae, जिसे हम मराठी में क्या कहते हैं, शेवाळ. Okay, जो green color का होता है, वो जहां भी पानी होता है वहां पे ये particularly हमें algae देखने को मिलते हैं. बहता हुआ पानी हो या stagnant एक जगह static कोई पानी हो, तो उसमें हमें ये algae देखने को मिलता है. तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन में अलगी है क्या, अलगी आर दीज आर बेसिकली इट इज ग्रीन और अलग अलग कलर भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये ग्रीन होता है. ओके, दे आर ऑटोट्रॉफिक. ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं. आपको मालूम है ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मतलब ये खुद का खाना खुद बनाएंगे, तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं. और ये कैसे होते हैं, थैलॉइड होते हैं, थैलॉइड. ओके, ये थैलस से बने होंगे, इसलिए इनके इन्हें थैलॉइड भी कहा जाता है. ओके, तो ये जो अलगी है ये अलग अलग जगह पे मिलते हैं. ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे इसका हैबिटेट कहां पे मिलते हैं या ये कहां पे रहते हैं, तो इसे कहा जाता है हैबिटेट. ओके, सो ये बहुत ही सिंपल ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ये थैलॉइड है, ये बेसिकली ग्रीन होते हैं. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक है, थैलॉइड है, इस प्रकार. तो इनका हैबिटेट क्या है, ये हमें कहां मिलेंगे, पर्टिकुलरली ये हमें मिलेंगे मॉइस्ट सॉइल में. ओके, जमीन में मिल सकते हैं मॉइस्ट. अगर कोई स्टोन होते हैं हमेशा पानी के आजू बाजू रहते हैं, तो उन स्टोन्स में भी हमें ये अलगी देखने को मिलेंगे. इसके साथ साथ अगर कोई ऊड है समझो, ओके, तो उन ऊड्स में भी हमें ये अलगी देखने को मिलते हैं. जरूरी क्या है कि ये मॉइस्ट होना चाहिए. ओके, तो ये है हैबिटेट ऑफ अलगी. ये जो अलगी है ये हमें कभी कभी इन एसोसिएशन मिलते हैं, मतलब साथ में होते हैं. किसके साथ में, इन एसोसिएशन विथ फंगी. ओके, तो फंजाई के साथ भी हमें मिलेंगे. इन फंजाई के साथ क्या होता है, इसका एक एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल है लाइकेन. ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि अलगी जब फंगी के साथ जुड़ जाती है तो इसे लाइकेन कहा जाता है. ओके स्टूडेंट, और कभी कभी इन एसोसिएशन विथ एनिमल्स भी ये होते हैं. ठीक है, तो ये एनिमल्स का एग्जांपल क्या है, तो ये है स्लॉथ बियर. तो याद रखेंगे कि स्लॉथ बियर के साथ भी अलगी हमें देखने को मिलते हैं. ओके, सो इंट्रोडक्शन है, ये हुआ हैबिटेट. अभी थर्ड जो पार्ट हमें मिलता है ये है फॉर्म्स एंड साइजेस. फॉर्म्स एंड साइजेस, तो इसके कितने अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. तो स्टूडेंट्स, दीज आर वेरिएबल फॉर्म्स, दीज आर फाउंड इन वेरिएबल फॉर्म्स. अलग अलग इसके फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं. ओके, तो कैसे होंगे ये अलग अलग. फॉर एग्जाम्पल, ये यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक होंगे. जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास. तो ये क्लैमाइडोमोनास हमें यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक मिलते हैं.
कुछ होते हैं जो कॉलोनियल होते हैं, हमें कॉलोनियल में कॉलोनीज में मिलेंगे। तो कॉलोनियल जैसे कि इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स नाम का जो अलगी है वो हमें कॉलोनीज में मिलता है। कुछ जो होते हैं फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस का मतलब क्या होता है, फिलामेंट्स में मिलेंगे, मतलब ऐसे रॉड जैसे मिलेंगे। तो ये जो फिलामेंटस है ये इसका एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा और आसान एग्जांपल है, ये है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, तो ये स्पाइरोगायरा जो है ये फिलामेंटस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इसके अलग अलग फॉर्म्स होंगे, कुछ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक होंगे, कुछ कॉलोनियल होंगे, कुछ फिलामेंटस होंगे। ओके, तो फॉर्म्स एंड साइज में ये वेरिएबल होते हैं, अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। कुछ इसमें स्पाइरल भी होंगे, स्पाइरल भी होते हैं, कुछ फिलामेंटस होते हैं, कुछ कॉलोनियल होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इनका यूज कैसे होता है, या फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इनमें फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, सो रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन, देखिए स्टूडेंट, ये जो अलगी होते हैं इनमें सभी प्रकार का रिप्रोडक्शन मिलता है। मतलब कैसे, अगर हम देखेंगे तो इनमें मिलता है विजिटेटिव रिप्रोडक्शन, विजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा मिलता है बी नंबर में ओसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सी मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन में विजिटेटिव मिलेगा, ओसेक्सुअल मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। ओके, हम इसे कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले एक बार इसे और एक बार समझ लेते हैं। देखिए हम अलगी पढ़ रहे हैं, अलगी ये सबसे पहले तो किंगडम प्लांटी के अंदर नीचे आने वाला ये ग्रुप है। ओके, अलगी क्या है बेसिकली, तो ये सिंपल सिंपल प्लांट्स हैं जो कि बेसिकली ग्रीन होते हैं, हर जगह मिलते हैं, सो एवरीवेयर दे आर फाउंड। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब खुद का खाना खुद बनाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। ये थायलॉइड होते हैं, साथ ही साथ इनका हैबिटेट क्या कहा है, मतलब ये हमें कहां देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो अलगी होते हैं ये मॉइस्ट, जहां पे भी मॉइस्चराइजर मिलेगा तो मॉइस्ट कंडीशन होगी वहां पे मिलेंगे, फिर वो सॉइल होगा, स्टोन्स होगा या वुड होगा, सब सब जगह पे हमें ये देखने को मिलेंगे। कभी कभी ये अलगी जो है ये फंगी के एसोसिएशन में मिलते हैं। अगर तो ऐसा कह सकते हैं कि अलगी, यहां पे मैं लिखता हूं कि अलगी प्लस फंगी, ओके, फंजाई कह सकते हैं या फंगी कह सकते हैं, अलगी प्लस फंजाई इज इक्वल टू लाइकेन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो लाइकेन किसे कहा जाता है, जो अलगी के साथ जब फंगस एक साथ आ जाता है तो इसे लाइकेन कहा जाता है। कभी कभी ये जो अलगी है ये एनिमल्स पे भी मिलते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि एनिमल्स के कोई ह्यूमन बीइंग है और उसके शरीर पे अलगी फॉर्म हो रहा है, तो ऐसा एक ही ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हमें देखना, तो वह है स्लॉथ बियर। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए अच्छे से याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद इसके फॉर्म साइन साइज में देखिए कि अलगी कैसे कैसे देखने को मिलेंगे। अलगी अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, तो ये वेरिएबल फॉर्म्स है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपी क्लामाइडोमोनास है, कुछ कोलोनियल वॉलवॉक्स है, फिलामेंटस स्पाइरोगायरा है, कुछ स्पाइरल भी देखने को मिलेंगे जैसे स्पाइरुलिन है। रिप्रोडक्शन देखिए, रिप्रोडक्शन का विजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। तो इसी रिप्रोडक्शन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखिए रिप्रोडक्शन में यही से शुरू करते हैं। तो रिप्रोडक्शन तीन टाइप्स का होता है, ये हमने देखा है। रिप्रोडक्शन के थ्री टाइप्स है, उनमें से पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है कि इनमें कोई गैमेट्स फॉर्म नहीं होंगे। ह्यूमन बीइंग्स में दो गैमेट्स एक साथ आते हैं और ये दोनों फॉर्म करते हैं एक सिंगल गैमेट, जिसे हम जायगोट कहते हैं। ऐसा कोई गैमेट इसमें फॉर्म नहीं होगा, इसलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये कौन सी मेथड से होता है, बाय फ्रैगमेंटेशन मेथड। ओके, फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि फ्रैगमेंट्स, मतलब एक होगा, समझो एक है, इसके टुकड़े हो गए, फ्रैगमेंट्स हो गए, इससे एक नया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार टुकड़े होने से, फ्रैगमेंट्स होने से इसमें रिप्रोडक्शन देखा जाएगा। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंट्स से होता है। ओके, दूसरा एक रिप्रोडक्शन है जिसे कहा जाता है असेक्सुअल, हो गया। ओके,
विजिटेटिव बेसिकली ये नॉट असेक्सुअल, इट इज द विजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ओके स्टूडेंट्स, विजिटेटिव रिप्रोडक्शन. और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाय मीन्स ऑफ, किसके साथ होगा, बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स. बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, तो इनमें स्पोर्स होंगे. देखिए एक एक वर्ड आपको याद रखना है. अगर विजिटेटिव है तो फ्रेगमेंटेशन होता है, अगर असेक्सुअल है तो स्पोर्स होंगे. ये स्पोर्स कैसे होंगे, इन्हें बेसिकली कहा जाता है जू स्पोर्स. क्या कहा जाता है, जू स्पोर्स. ओके, और ये जू स्पोर्स जो है ये फ्लैजिलेटेड होते हैं. फ्लैजिलेटेड क्या मीनिंग होता है फ्लैजिलेटेड का, तो समझिए कि ये कोई स्पोर है तो इसमें ऐसा फ्लैजिला मिल जाएगा. ओके, तो ये फ्लैजिला की वजह से वो क्या कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, तो ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ये जा सकते हैं. ओके, तो ये असेक्सुअल में स्पोर्स होते हैं और जू स्पोर्स की हेल्प से इनमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. और थर्ड वन होते हैं जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट. जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो गैमेट्स एक साथ आने के कारण जो रिप्रोडक्शन होगा उसे हम कहेंगे फ्यूजन ऑफ गैमेट. अभी ये फ्यूजन ऑफ गैमेट जो है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये भी तीन टाइप्स का होता है. ठीक है, देखिए तीन टाइप्स कौन से हैं. एक है आइसोगैमस, दूसरा है एनआइसोगैमस, और थर्ड वन है उसे हम कहेंगे आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ओगैमस. ओके, ओगैमस. तो देखिए कैसा होता है, सबसे पहला जो है वो है आइसोगैमस. आइसोगैमस स्टूडेंट, देखिए आइसोगैमस का मीनिंग क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम और गैमस का मतलब होता है गैमेट्स. सो आइसोगैमस का मीनिंग क्या होगा कि हैविंग बोथ सिमिलर गैमेट्स. तो इनमें दोनों गैमेट्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे. सो हैविंग बोथ सिमिलर गैमेट्स मतलब शेप और साइज में ये कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, तो इन्हें हम कहेंगे आइसोगैमस रिप्रोडक्शन, जो कि किसमें होता है, स्पाइरोगायरा में होता है. ओके, स्पाइरोगायरा में इस प्रकार आइसोगैमस रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. सेकेंड वन हमने देखा कि ये होता है एनआइसोगैमस का मीनिंग क्या होगा कि इनमें डिसिमिलर दोनों जो स्पोर्स है या दोनों गैमेट्स है, गैमेट्स होंगे. तो इनमें डिसिमिलर गैमेट्स देखने को मिलते हैं. और थर्ड वन जो है वो है ओगैमस. वेरी सिंपल, ओगैमस. ऐसे ही आपको एक एक पॉइंट करके याद रखना है. ओगैमस का मतलब होता है कि इनमें फीमेल गैमेट जो होगा, फीमेल गैमेट जो होगा स्टूडेंट, ये कैसे होगा, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये लार्ज होगा, लार्ज, एंड ये नॉन मोटाइल होगा. ठीक है, नॉन मोटाइल होगा. और जो मेल गैमेट होगा, ये मेल गैमेट कैसे रहेगा, इसके एकदम अपोजिट रहेगा, तो वो स्मॉल भी होगा और वो मोटाइल भी होगा. आपको ये इसके लिए मैं आपको एक बात बोल देता हूं. देखिए फीमेल है तो आप ऐसा कंसिडर करो कि एक फीमेल है जो बहुत ही लार्ज है, बहुत मोटी है, लेकिन इसे मोटी नहीं कहना है, नॉन मोटाइल कहना है, तो वो घूम नहीं सकती है. कोई फीमेल बहुत बड़ी होने के कारण घूम नहीं सकती है. ठीक है, ऐसा याद रखना है. तो लार्ज फीमेल कैसी है, लार्ज है, इसलिए वो घूम नहीं सकती है, तो नॉन मोटाइल है. ओके स्टूडेंट, सो इस प्रकार ये तीन प्रकार का रिप्रोडक्शन हमें इसमें देखने को मिलता है. ओके, सो ये जो है, ये जो ओगैमस रिप्रोडक्शन है, ये ओगैमस रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. इसके एग्जांपल है वॉलवॉक्स और फ्यूकस. वॉलवॉक्स और फ्यूकस. ओके स्टूडेंट्स, सो इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है अल्गी में तीन टाइप से देखने को मिलता है, विजिटेटिव है, असेक्सुअल है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है.
विजिटेटिव का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन से, तो फ्रेगमेंट हो जाएगा और इस फ्रेगमेंट के बाद क्या होगा, नया थैलस फॉर्म होगा। ओके, थैलस फॉर्मेशन मतलब नया नया प्लांट बनेगा या नया अलगी का प्लांट यहां पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स फॉर्म होते हैं। स्पोर्स, ये जो स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, इसे याद रखेंगे, ये स्पोर्स है छोटे छोटे, ये स्पोर्स की वजह से क्या होता है, इनको फ्लैजेला होते हैं, इसे याद रखेंगे, जैसे फ्लैजेला है। ठीक है, और इन स्पोर्स की वजह से जब नया स्पोर निकलेगा तो नए स्पोर से एक अलग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है तो उसमें जरूरी है कि दो गैमेट्स एक साथ आने चाहिए, तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। ये तीन टाइप से होता है, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और थर्ड वन है ओगैमस। आइसो का मीनिंग होता है सेम, सो सेम गैमेट्स रहेंगे, दो एक साथ गैमेट्स आएंगे, सेम साइज के होंगे, और जब इनका फ्यूजन होगा तो इन्हें कहा जाएगा आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। सो हैविंग बोथ सिमिलर गैमेट्स, एनआइसोगैमस का मीनिंग होगा कि इसमें डिसिमिलर गैमेट्स होंगे जो एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। और ओगैमस देखिए, ओगैमस में दो सिमिलर दिख रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ओगैमस में क्या होता है, तो फीमेल जो गैमेट होता है वो लार्ज होता है, वो नॉन मोटाइल होता है, वो स्टैटिक, इसे ही स्टैटिक भी कहा जाता है। ठीक है, सो याद रखेंगे स्टैटिक होता है, ऐसा भी वर्ड यहाँ पे आ जाए। स्टैटिक का मतलब होता है एक ही स्टेट में रहने वाला, और जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल और मोटाइल होता है। इनके इनके क्या है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ऐसे याद रखेंगे। मैंने ये कहा था आपको कि वॉल्वॉक्स जो है ये कॉलोनियल है, कॉलोनियल है मतलब ये कॉलोनीज में होता है। देखो ऐसी समझो कॉलोनी है, तो इनमें अलग अलग ऐसे वॉल्वॉक्स रहेंगे। ठीक है, तो ये वॉल्वॉक्स है, इसे कैसे याद रखेंगे, वॉल्वो नाम की जो गाड़ी है उसमें इतनी बड़ी है, ऐसे याद रखो कि वो इतनी बड़ी है कि पूरी कॉलोनी उसमें बैठ सकती है, ऐसा याद रखो। ठीक है, और इस वॉल्वो में कौन बैठता है, इस वॉल्वो में ओगैमस, ऐसे याद रखिए। ठीक है, ओगैमस मतलब ये बड़ी फीमेल बैठती हो, तो किसी। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ अल्गी। ओके, तो क्या यूज होता है इन अल्गी का, तो देखिए सबसे पहले टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये जो अल्गी होते हैं ये हमने देखा कि ऑटोट्रॉपिक होने के कारण ये CO2 फिक्सेशन करते हैं, तो ये CO2 फिक्सेशन इन फोटोसिंथेसिस, कहां पे CO2 फिक्स करेंगे, फोटोसिंथेसिस में। तो CO2 जैसे फिक्स करेंगे तो साथ में कैसे होता है ये हमें मालूम होगा 12th में, कि CO2 इसके साथ जब वॉटर आता है तो ये जाके फॉर्म करते हैं ग्लूकोज, और इसी ग्लूकोज का यूज ये CO2 यूज करके ग्लूकोज बना के ये अपना जो फूड होता है वो सिंथेसाइज करते हैं। इसलिए CO2 फिक्सेशन, जैसे CO2 फिक्स करता है ऐसे ही ये O2 का भी प्रोडक्शन करता है, इसलिए हमें जो O2 मिलता है वो सभी कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है, तो अल्गी भी इनमें, अल्गी का भी इसमें कुछ रोल होता है। ओके, सो CO2 भी फिक्सेशन, या CO2 फिक्स होता है, O2 का प्रोडक्शन होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, सो ये बहुत ही पहला फूड बनाते हैं, इसलिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। साथ में ये एनर्जी प्रोड्यूस भी करते हैं, सो एनर्जी प्रोडक्शन भी होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो एनर्जी प्रोडक्शन है। ओके, साथ में देखिए, तो ये जो फूड बनाते हैं, तो एक्वेटिक जो फूड होता है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए लगता है, ये एक्वेटिक फूड भी इन्हीं अल्गी से मिलता है, इसलिए ये बहुत ही अहम रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक्वेटिक फूड है। ऐसे ही हमें जो कुछ फूड मिलता है वो मराइन फूड होता है, तो इनमें कुछ मराइन फूड में भी अल्गी का रोल होता है। देखिए मराइन फूड कौन सा है, तो इसमें पोरफायरा नाम का एक अल्गी है जो हम एज अ मराइन अल्गी यूज करते हैं, एज अ फूड यूज करते हैं। सो मराइन फूड में पोरफायरा है, फिर लैमिनारिया है। ओके, लैमिनारिया, इस प्रकार कुछ मराइन अल्गी है जो हम एज अ फूड यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, कुछ ऐसे अल्गी है जो कमर्शियली भी यूज किए जाते हैं। ओके, सो कमर्शियली भी कुछ कमर्शियल यूज क्या होता है, सो कमर्शियली कुछ यूज किए जाते हैं, जिनमें एक है सबसे पहले तो अगार जो बनाते हैं, तो अगार में जेलीडियम नाम का अल्गी होता है, जेलीडियम अगार बनाते हैं जेलीडियम से। ओके, सो इसमें कमर्शियली इसका यूज इस प्रकार होता है।
और हम देखेंगे तो माइक्रोब्स प्रोडक्शन में, माइक्रोब्स प्रोडक्शन में क्या आएगा, आइसक्रीम आएगा या जेली आएगी, इनको फॉर्म करने में भी ये बैक्टीरियास का यूज होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें रहता है ग्रैसिलिया। ओके, ग्रैसिलिया ये अलगी इसमें यूज होते हैं एज अ माइक्रो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो यूनिसेल्युलर होते हैं, जो यूनिसेल्युलर है और प्रोटीनस होते हैं, तो इनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है जो कि फूड फॉर ट्रैवलर्स। सो ट्रैवलर्स के लिए जो यूज किए जाते हैं, ऐसे दो अलगी है जो है क्लोरेला और स्पाइरोगायरा। इस प्रकार के कुछ यूज जो है अलगी के होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के यूजेस है जिसमें हम इसे रिवाइज करते हैं कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए CO2 को फिक्स करते हैं, O2 का प्रोडक्शन करते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है क्योंकि सबसे पहले फूड एक्वाटिक फूड यही बनाते हैं सिंथेसाइज करके, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, एक्वाटिक फूड बनाते हैं। मराइन फूड में हम पोरफायरा, लैमिनारिया इनका भी यूज करते हैं, कमर्शियल यूज है, अगार में जिलेटिन यूज करते हैं, माइक्रो प्रोडक्शन में ग्लैसिलिया यूज होता है, यूनिसेल्युलर प्रोटीनस में और एज अ फूड फॉर ट्रैवलर्स कौन से होते हैं, तो क्लोरेला और स्पाइरो वगैरह होते हैं। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट और जो इसके कुछ कॉमन रोल है, कॉमन जो इसके इंट्रोडक्शन है ये हमने देखा है। इसके बाद हम देखेंगे अलगी के 3 क्लासेस। ओके,